मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। इस वक्त विधानसभा के भीतर से एक बड़ा अपडेट लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आपको बता दें कि इंतजार अब खत्म हो चुका है, विनय कुमार के नाम पर सहमति बन गई है, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो एक आधिकारिक मुहर थी वो लग चुकी है। दरअसल विधानसभा के भीतर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से विनय कुमार के नाम पर प्रस्ताव रखा गया। 3 प्रस्ताव यहाँ पर जो है वो स्पीकर के पास पहुँचे हुए थे और तीनों में ही डिप्टी स्पीकर के पद पर अगर हम बात करें तो विनय कुमार का ही नाम था और यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही विनय कुमार के नाम का समर्थन किया है। अगर हम बात जयराम ठाकुर की करें तो उन्होंने भी प्रस्ताव का समर्थन किया है और आप यूँ कह सकते हैं कि निर्विरोध कहीं ना कहीं विनय कुमार डिप्टी स्पीकर अब बन रहे हैं। 4 बजे वो इस पद को ग्रहण करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका परिवार भी यहाँ पर पहुँच चुका है, उनके समर्थक पहुँच चुके हैं। कहीं ना कहीं जो अटकलें लगाई जा रही थी कि सदन के भीतर हो सकता है कि थोड़ा सा हंगामा हो जाए, वो फिलहाल इस प्रस्ताव को लेकर तो नहीं हुआ है, लेकिन सदन के भीतर हंगामा ज़रूर हुआ है और वो हंगामा हुआ है वाटर सेस के मसले पर। दरअसल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से वाटर सेस पर आज साफ तौर पर अंदर कहा गया कि जब हमारे पड़ोसी राज्यों में वाटर सेस लागू किया गया है, वहां पर किसी तरह का विरोध नहीं हो रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस का विरोध बीजेपी क्यों कर रही है, जबकि कई बीजेपी शासित राज्य भी ऐसे हैं जहाँ पर वाटर सेस वसूला जा रहा है। और इसी वाटर सेस के मसले पर आपको बता दें कि सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिलहाल सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से चल रही है। माहौल जरूर कुछ एक मुद्दों पर अंदर गर्मा रहा है, लेकिन तमाम चीज़ों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहसबाजी ज़रूर हो रही है, मगर कहीं ना कहीं अभी तक अगर हम देखें तो तमाम चीज़ें बाकी जो हैं वो भीतर काफ़ी बेहतर तरीके से चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब डिप्टी स्पीकर तय हो चुके हैं, यानी कि विनय कुमार के नाम पर सहमति बन गई है। अब देखना ये है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहीं देखिए कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया गया है ये आप यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से ये फैसला लिया गया है उस पर आप यूँ कह सकते हैं कि नाम चर्चा में नहीं था, विनय कुमार का नाम उस तरह से नहीं आया था, लेकिन अचानक से जिस तरह से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट का विस्तार किया ठीक उसी तरह से यहाँ पर डिप्टी स्पीकर के पद पर भी विनय कुमार को आप कह सकते हैं कि विनय कुमार अब आपको नजर आएंगे। अब देखना यह है कि जो मंडी है उसके लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अगला क्या फैसला लेते हैं। अभी तक अगर आप सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं काफ़ी चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं, चाहे आप कैबिनेट विस्तार को लेकर बात कर लीजिए, चाहे अब आप डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर बात कर लीजिए, और काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं जो अटकलें लगाई जा रही थी उससे हटकर नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी कैबिनेट में एक पद खाली भी है तो वो भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीएम किसे उस पद को देते हैं, मगर अब चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि जो मंडी जयराम की मंडी के नाम से जानी जाती थी लोकसभा चुनाव से पहले, उस मंडी के लिए कांग्रेस कौन सा बड़ा ओहदा देती है। खैर अब आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और हमें बताइए क्या लगता है आपको, मंडी में जो एकमात्र कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें क्या दर्जा मिलना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि सिरमौर का कद तो देखिए बढ़ गया है, सिरमौर में आप बात कीजिए कि एक वहां से मंत्री हैं और अब डिप्टी स्पीकर का ओहदा भी विनय कुमार को गया है। विनय कुमार की बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं एक मंझे हुए आप उन्हें कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन हैं, तीसरी बार हालांकि विधानसभा में पहुंचे हैं लेकिन परिवार की जो पृष्ठभूमि रही है वो राजनीतिक रही है, उनके पिता भी विधायक रहे हैं। खुद विनय कुमार की बात करें तो यहाँ पर वीरभद्र सरकार जब थी 2012 से 2017 तक वहाँ पर वो बतौर CPS काम कर चुके हैं। तो अब देखना यह है कि डिप्टी स्पीकर की भूमिका विनय कुमार किस तरह से निभाते हैं। आपका इस पर क्या कुछ कहना है ज़रूर हमें बताइएगा और अब ठीक 4 बजे भी आपसे जुड़ेंगे तमाम ताज़ा तरीन अपडेट लेकर, उससे पहले भी आपसे हम ज़रूर जुड़ेंगे। विधानसभा सत्र की हर एक जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं तो जुड़े रहिए आप हिमाचल अभी के साथ और स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।